आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज के वीडियो में आप डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम पढ़ने का इजी तरीका, कैसे एनिमल किंगडम को इजीली हम पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, एनिमल किंगडम को पढ़ने का जो इजी तरीका है, आपको बता दो कैसे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पहले पढ़ लीजिएगा, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, बायलैटरली सिमेट्रिकल, उसके बाद रेडियली सिमेट्रिकल, सीलम, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है जिसका बेसिस में क्लासिफाई किया गया, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेगमेंटेशन, बॉडी छोटा छोटा सेगमेंट में डिवाइडेड है कि नहीं है, नोटोकॉट, नोटोकॉट प्रेजेंट है नहीं है कि नहीं है, सीलम ये है, ट्रू सीलम है, ये स्यूडो सीलम, इसमें कोई सीलम नहीं बना है। सिंपली दोस्तों, आपको समझ में आया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बॉडी सेल से बना हुआ है। टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी केवल टिशू से बना हुआ है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी ऑर्गन से बना हुआ है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी ऑर्गन सिस्टम बना है। उसके बाद दोस्तों इस चीज़ पढ़ लीजिएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है बॉडी कैविटी में ओपन हो जा रहा है, मीन्स इसमें आर्टरी और वेन के बीच कैपिलरी नहीं होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी होता है। सिमेट्री, सिमेट्री को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रेडियली सिमेट्री, देखिए कोई भी प्लेन से आप ऑर्गेनिजम्स का बॉडी को काटो, इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बायलैटरली सिमेट्री, एक ही प्लेन से काटो तो भी फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद देखिए डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म रहेगा, और डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म रहेगा। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मेसोग्लिया होगा, और डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच मेसोडर्म होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा। सीलम मतलब क्या है? ये है एक्टोडर्म, देखिए दोस्तों ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, और ये है रेड कलर का है मेजोडर्म। मेजोडर्म जो कि ना एक्टोडर्म के चारों तरफ एक कैविटी बना रहा है, उसी को कहा जाता है सीलम। और यहीं पर स्यूडो सीलम बन रहा है, मेजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस बना रहा है, और यहीं पर कोई सीलम नहीं बन रहा है। सेगमेंटेशन, जो ऑर्गेनिजम्स का बॉडी छोटा छोटा सेगमेंट से डिवाइड होता है, जैसे कि एनिरिडा, उसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। इस फेनोमेनम को कहा जाता है मेटाबोलिमेरिज्म, और छोटा छोटा भाग में जो डिवाइड होता है इसी को कहा जाता है सेगमेंटेशन। नोटोकॉर्ड, मेजोडर्मली ऑरिजिन, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को शुरू कीजिएगा। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम क्लास एनिमेलिया, एनिमेलिया मीन्स विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल। ठीक, किंगडम एनिमेलिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ, और दूसरा तरफ टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पॉरीफेरा आता है, इसका बॉडी एसिमेट्रिकल दोस्तों, मीन्स बॉडी को काटोगे, सेंट्रल पोर्शन से काटोगे, बॉडी इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है क्या है? सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा, टीनोफोरा। सिलेंटेरेटा को ही कहा जाता है निडारिया, और टीनोफोरा जो कि ना बायोल्यूमिनेशन शो करता है, इसका बॉडी जैसे भी काटो इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनिजम्स को दो भाग में, दो सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक रेडियल सिमेट्री, एक बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद देखिए बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऐसा ऐसा ऑर्गेनिजम जिसका बॉडी एक ही प्लेन से काटने पर दो इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बायलैटरल सिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स को बॉडी कैविटी का बेसिस में तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एसिलोमेट मीन्स विदाउट बॉडी सिलम, जिसका बॉडी में कोई सीलम और बॉडी कैविटी नहीं होता है, जैसे कि प्लैटी हेलमेंथिस, स्यूडो सीलमेट जिसमें सीलम होगा, जैसे कि
लेकिन ट्रू सीलम नहीं होगा। स्यूडो सीलमेट मतलब जिसमें सीलम होगा पर ट्रू सीलम नहीं होगा, इसी को कहा जाता है स्यूडो सीलमेट, जैसे कि एस खेलमेंटिस। और उसके बाद देखिए ट्रू सीलम, ट्रू सीलम मतलब जिसका बॉडी में सीलम होगा, एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कॉडाटा। देखिए उसके बाद इजीली पढ़ने के लिए एनिमल किंगडम को ऐसा फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। फ्लो चार्ट में आपका डायग्राम होगा। देखिए जैसे कि मैं सारे फाइलम का फ्लो चार्ट बनाया हूँ। पॉरीफेरा, पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। पहले नाम लेने का पहले ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होता है, बॉडी में बहुत सारा पोर्स होगा और कौन कौन ऑर्गेनिजम्स आता है इसको देखिएगा। ये है साइकोन, ये है यूस्पंजिला, ये है यूस्पंजिला और स्पंजिला। ये सारे ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारा पोर्स होता है। मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, बॉडी में छोटा छोटा पोर्स होता है जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से पानी जाएगा, जाने के बाद स्पॉन्जोसिल में रहेगा, उसके बाद ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसका पोर्स, बॉडी में पोर्स होता है। ठीक, ये स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक, और क्वानोसाइट्स जो हैं, क्वानोसाइट्स एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होता है, दैट इज ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। उसके बाद देखिए पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल से बना हुआ है। उसके बाद सिमेट्री क्या है, सिमेट्री, इसमें सिमेट्री नहीं होता है। उसके बाद सीलम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जब ऑर्गन नहीं है तो सिस्टम बना ही नहीं। सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई एब्स नहीं होगा। बॉडी, बॉडी में पोर्स होगा जो बोला हूँ, और एग्जाम्पल में पहले ही बोला हूँ, एग्जाम्पल पहले आपका दिमाग में होना चाहिए, जैसे कि साइकन। उसके बाद देखिए निडारिया। देखिए निडारिया का नाम लेने पर ये सारे ऑर्गेनिजम्स का जो डायग्राम आपका दिमाग में आना चाहिए, जैसे कि ऑरेलिया है ना, एडम्सिया। ठीक, जो पॉलिप्स और मेडूजा फॉर्म होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन देखते हैं। निडारिया में नीडोब्लास्ट और स्ट्रिंगिंग कैप्सूल जैसा सेल होगा जो कि ना उसका डिफेंस मैकेनिज्म में काम आएगा। देखिए निडारिया वाला जो कैरेक्टर्स क्या है, निडारिया में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री रेडियली मतलब कोई भी प्लेन से काटो इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीलम एब्सेंट होगा, उसके बाद सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट और नीडोप्लास्ट स्पेशल टाइप ऑफ सेल है व्हिच हेल्प इन द कैप्चरिंग पे डिफेंस मैकेनिज्म, एग्जाम्पल हो गया ऑरेलिया। ठीक, उसके बाद देखिए टीनोफोरा का नाम आने पर ए ऑर्गेनिज्म प्लूरोपेंचिया जैसा ऑर्गेनिजम्स का डायग्राम आपका दिमाग में होना चाहिए। एट कॉम्प्लेक्स होता है ना, एट कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ना लोकोमोशन में हेल्प करता है और बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। उसके बाद देखिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टीनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल, सीलम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, बॉडी में कॉम्प्लेक्स होता है और बायोल्यूमिनेसेंस से वो करता है प्लूरोपेंचिया। नेक्स्ट फाइलम प्लैटी हेलमेंटिस। नाम आने पर ये जो ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो फ्लैट वन और लिवर फ्लूक, इसका डायग्राम आपका माइंड में आना चाहिए। डॉर्सोफोन्टेन फ्लैटेन बॉडी, इसका बॉडी फ्लैटेन है, हुक सकर्स होता है, इंटरनल पैरासाइट होता है, ये सारे होता है। देखिए प्लैटी हेलमेंटिस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरली सिमेट्रिकल, सीलम एब्सेंट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका बॉडी में पहले ऑर्गन बना है, प्लैटी हेलमेंटिस का बॉडी में पहले ऑर्गन बना है। ठीक, इसका पहले सारे पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा का बॉडी में क्या है, टिश्यू बना है। उसके बाद देखिए ये बायलैटरल सिमेट्रिकल, सीलम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, फ्लैट बॉडी और लिवर फ्लूक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे क्या है एस्केल्मेंथिस, है ना। एस्केल्मेंथिस को जब हम पढ़ेंगे ना, तब फिर आपको माइंड में ये डायग्राम आना चाहिए, है ना। एस्केल्मेंथिस मतलब राउंड वर्म है, इसका बॉडी में क्या है, बॉडी में
ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड हुआ है और पैरासाइटिक लाइफ ये ज़्यादातर रहते हैं। पैरासाइटिक फ्री लिविंग तो होता है, ठीक, इसका बॉडी में ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड हुआ है। देखिए एस्केल्मेंटिस का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, देखिए ऐसा करके आप भी फ्लोचार्ट बना लीजिए जो कि ना आपको भी आसान होगा। पहले एस्केल्मेंटिस मतलब आपको समझना चाहिए राउंड वन, प्लैटिहेल्मेंटिस मतलब फ्लैट वन, है ना। उसके बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा में जो क्या है ना ब्रायोलुमिनेसेंस, उसके बाद ये सारी चीज़ आपका माइंड में आना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका माइंड में मतलब पूरा ऑर्गेनिजम्स का पूरा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक भरा हुआ आप याद करते रहो, मतलब ऐसा आपका माइंड में कुछ कुछ जनरल कैरेक्टर, मेन मेन कैरेक्टर आपका आना चाहिए। जैसे कि बोलूँ ये जो टीनोफोरा मेन कैरेक्टर क्या है, कॉम जेलिस कहा जाता है, टीनोफोरा को कहा जाता है कॉम जेलिस। टीनोफोरा जो है ये देख रहे हो बायोलुमिनेसेंस शो करता है, ठीक, कॉम्प्लेट्स होता है जिसके द्वारा क्या होता है ये मूवमेंट शो करता है, ठीक, ऐसा मेन कैरेक्टर आपका माइंड में हो। जैसे कि निडारिया, नीडोब्लास्ट सेल होगा, है ना, नीडोब्लास्ट सेल होगा। नीडोब्लास्ट सेल क्या काम में हेल्प करता है वो चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ये जो एस्केल्मेंटिस को कंप्लीट करा ले रहा हूँ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरली सिमेट्रिकल, आपको पता ही चल रहा है, ये डायग्राम से ही पता चल रहा है। इसका बॉडी को काटोगे एक ही पार्टिकुलर प्लेन से काटोगे इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होगा बायलैटरली सिमेट्रिकल, है ना। स्यूडोसिलोमेट, है ना, इसका बॉडी में पहले सिलम आया लेकिन ट्रू सिलम नहीं आया, स्यूडोसिलम। तो देखिए एस्केल्मेंटिस का पहले जितने सारा ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे पॉलीफेरा है, चाहे निडारिया है, चाहे टीनोफोरा है, चाहे प्लैटिहेल्मेंटिस है, सब में क्या है सिलम नहीं होता है। पर एस्केल्मेंटिस के बाद एनिलिडा से लेकर के अप टू कॉर्डाडर तक सब में सिलम होगा, ठीक। ये चीज़ आप इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप उसी में से भी आप याद कर सकते हो, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा क्योंकि ना इसका बॉडी में जो हम जो फूड खाते हैं उसी फूड को ही खाते हैं और उसका बॉडी में डाइजेशन होता है उनका बॉडी में, लेकिन प्लैटिहेल्मेंटिस में सिंपल फूड लेते हैं इसलिए इनको डाइजेशन करने का कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक। उसके बाद देखें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है एब्सेंट, क्योंकि ना इसका सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन का ज़रूरी नहीं है, ठीक, रेस्पिरेशन का ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम इलॉन्गेटेड है ना, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फाइलम है एनिलिड। माइंड में एनिलिडा का नाम आते ही ये सारे ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसका बॉडी सो मेनी सेगमेंट से बना हुआ और सेगमेंट और मेटामियर से बना हुआ है और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामेरिज्म, इसी चीज़ को आपका माइंड में आना चाहिए। एनिलिडा मतलब सेगमेंटेड एनिमल्स, जैसे कि आप जान देख पा रहे हो नेरिस है ना, पेरिट्रीमा या फिर आर्थवर्म, इरुडिनारिया, ये जो है ब्लड सकिंग लीच, ये सारे ऑर्गेनिजम्स एनिलिडा में आता है, ठीक। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल सिमेट्रिकल सिलोमेट एनिमल, उसके बाद सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होगा, बाय सिलम तो होगा ही, है ना, इसमें पहला ट्रू सिलम आया है। उसके बाद देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल आर प्रेजेंट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए दोस्तों, एनिलिडा का बॉडी जो है सेगमेंट, बहुत सारा सेगमेंट से डिवाइड हुआ, मतलब सेगमेंटेड बॉडी, इसका बॉडी बहुत सारा सेगमेंट से डिवाइड हुआ है, ठीक, ये है स्पेशल कैरेक्टर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जब नाम आए तब फिर आपका माइंड में ये सारे ऑर्गेनिजम्स का पिक्चर आपका माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि ना हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ रहे हैं, मतलब आर्थो मतलब
जॉइंटेड और पोडोस मतलब अपेंडेजेस। देखे होंगे आप सारे कीड़ा माकोड़ा, आपके पास जितने सारे कीड़ा माकोड़ा हैं उसका पैर को, उसका लेग्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसका लेग्स जो है देखिए सेगमेंटेशन हुआ है, उसका लेग्स जो है बहुत सारा सेगमेंट से बना हुआ है, छोटा छोटा सेगमेंट से बना हुआ है। इसलिए ही तो इस फाइलम का नाम आर्थो मतलब जॉइंटेड, पोडोस मतलब होता है लेग्स। इसके साथ ही साथ आपको बता दो ये जो है लार्जेस्ट फाइलम है, दैट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। आप बोलेंगे सर क्यों, एक क्यों है, आपका आसपास में जितने सारे एनिमल्स हैं उसका 70% एनिमल आर्थ्रोपोडा में आता है। बताइए ना, आप गिन के बताइए आपका आसपास में कितने सारे ना जाने कितने प्रकार का कीड़ा माकोड़ा रहता है। आइए सटीक से कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपली क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो जरूर होगा, बायलैटरल एंड सिमेट्रिकल जरूर होगा, सिलोमेट सिलम तो होगा, सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होगा। इसका बॉडी हेड थोड़ा सा एब्डोमेन में डिवाइडेड है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लीटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको एक चीज़ जानना है, देखिए जो आर्थ्रोपोड्स व्हिच आर्थ्रोपोड्स लिव इन द वाटर देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द गिल्स। गिल्स हेल्प टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। ओके, एंड व्हिच आर्थ्रोपोड्स प्रेजेंट इन द लैंड देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ट्रैकिया, या फिर जो कवरिंग है उसके द्वारा बुक लंग बुक गिल हो सकता है। तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिखता है, जैसे कि गिल्स किस में होता है, क्रस्टेशियन में होता है, बुक गिल किस में होता है, लिमोनास में होता है, ट्रैकियल सिस्टम किस में होगा, इंसेक्ट में होगा, बुक लंग किस में होगा, स्कॉर्पियन में होगा, ये सारे चीज़ क्वेश्चन में आता है। ठीक, उसके बाद जो स्पेशल फीचर्स जो है, स्पेशल फीचर्स में देखिए एक्सोस्केलेटन मतलब देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल कवरिंग एक्सोस्केलेटन, देयर body made up of cuticle covering exoskeleton and their body is joint have the jointed appendages। आइए next phylum mollusca को पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों mollusca के नाम, mollusca का नाम आते आते ही आपका माइंड में इस सारे organisms का जो डायग्राम आपका माइंड में आना चाहिए, जैसे कि पाइला देख रहे हो, ऑक्टोपस, लॉलीगोसेपिया, लॉलीगोसेपिया नहीं है पर ये जो पाइला है, उसके बाद क्या है एप्पल स्नेल। तो ये ऑर्गेनिजम्स देख के क्या पता चल रहा है, इसका ऑर्गेनिजम्स का जो अंदर वाला पार्ट है, सेल का जो अंदर हार्ड कवरिंग का जो अंदर में जो पार्ट है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। मोलस्का का मतलब ही होता है क्या है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल विच ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज वेरी सॉफ्ट। आप बोल रहे हैं कैसे सॉफ्ट है, देखिए इनसाइड द सेल विच बॉडी पार्ट्स इज प्रेजेंट दैट इज वेरी वेरी सॉफ्ट। ठीक, यू मे बी फील इन योर लाइफ जो पाइला होता है, पिंक टाटा होता है, उसका बॉडी जब बाहर आता है कितने सॉफ्ट होता है। आइए स्पेशल कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें तो ऑर्गन सिस्टम होगा ही होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा ही होगा, सेगमेंटेशन जरूर होगा, बायलैटरली सेगमेंटेड है, सिलोमेट एनिमल, सिलम तो इसके आगे जितने सारे एनिमल्स है सब में सिलम होगा, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब प्रेजेंट होगा। इसका जो एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन में क्या होगा, सेल होगा, है ना। ठीक, ये जो डायग्राम देख रहे हो ऑक्टोपस का डायग्राम यहीं पर होना चाहिए। उसके बाद देखिए इकाइनोडर्माटा, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्माटा का मतलब होता है स्किन। व्हिच ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी स्पाइन एट देयर आउटर। तो देखिए इकाइनोडर्माटा में जितने सारे एनिमल्स होगा, जैसे कि स्टारफिश, यहीं पर डायग्राम बना हुआ है, देखिए स्टारफिश का बॉडी का बाहर में जो कवरिंग है मतलब क्या है स्किन है, उसमें बहुत सारा स्पाइन होगा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, डर्मा का मतलब होता है स्किन। व्हिच ऑर्गेनिजम्स हैव द स्पाइनी स्किन, देखिए ऑर्गेनिजम्स कैसे होता है, जैसे कि ये स्टारफिश है ना,
आइए देखिए, नेक्स्ट फाइलम जो है हेमी कॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है आधा, कॉर्डेटा का मतलब है कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो हेमी कॉर्डेटा को पहले कॉर्डेट में रख दिया गया था, लेकिन बाद में कॉर्डेट से अलग कर दिया गया था, है ना, बाद में कॉर्डेट से अलग कर दिया गया। तो हेमी कॉर्डेटा को पहले कॉर्डेट्स में इसलिए रख दिया गया था क्योंकि ना हेमी कॉर्डेटा का कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉर्डेट्स के साथ मिलता जुलता है। ठीक, इसका बॉडी देखिए, इसका बॉडी हेड कॉलर और ट्रंक तीनों भाग में डिवाइडेड है। इसका बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल सिमेट्रिकल सिलोमेट, उसके बाद इसमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब प्रेजेंट होगा। और साथ में देखिए वर्म लाइक इसका बॉडी में प्रोबोसिस होगा, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक। इसका बॉडी तीन भाग में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक। दैट इज ऑल अबाउट द इनवर्टिब्रेट एंड हेमी कॉर्डेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्डेट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।